अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नास, वो कि जो लोगों के सीनों के अंदर यानी दिल में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नते वन्नास, इसके दो तरह से तर्जमा किया गया, जिन्नों में भी वसवसा करता है और इंसानों में भी वसवसा करता है, वही। और एक दूसरी तरह माना किया गया है कि ये वसवसा करने वाले जिन भी होते हैं और इंसान भी होते हैं। वसवसा क्या शय होती है? आपको एक ख्याल आया जिसने किसी भी मामले में आपको, जिस पर आप बड़े मजबूत थे, आपका कन्विक्शन, आपका उस पर फेथ बड़ा मजबूत था, आपके अंदर उसके बारे में कोई डाउट क्रिएट कर दिया, एक ख्याल उसने डाउट क्रिएट कर दिया। यह ख्याल खुद से आया आपको, आपको लगा खुद से आया, नहीं, ये पीछे से शैतान ने डाला है, लेकिन वो डाउट उसने मेरे अंदर क्रिएट किया है, मुझे डाउट हो गया है। जब मैं आपसे करूंगा तो डाउट आपको मुंतकिल नहीं करूंगा। तो फिर जिन भी करते हैं वसवसा, तो इंसानों ने भी किया ना वसवसा। यह मैंने क्यों जरा थोड़ा सा आपको मुतनब्बे किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी जिक्र किया हो, ऐसी दुआ पढ़ी हो कि उन पर जिन ना असरअंदाज हो सके, लेकिन इंसान का असर हो जाएगा उसके ऊपर। तो अब जिन ने इनडायरेक्ट रास्ता इख्तियार किया है, वो इंसान में उसने वसवसा डाला, उस इंसान ने जाके उस दूसरे उसका हदफ को जो है अचीव करके दे दिया उसे। अब इसे सूरह अनाम पे ले जाएं, कज़ालिका जालना लिकुल नबीयिन अदुवन शयातीनल जिन्न वल इंस यूखी बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल ग़ुरूरा। इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन खड़े कर दिए, वो जिन भी होते थे और इंसान भी होते थे। वो जिन उन अपने इंसान दोस्तों की तरह जो नबी के दुश्मन होते थे वही करते थे, ज़ुख़रुफ़ल क़ौल ग़ुरूरा, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें, बड़ी दिल रुबा बातें, होता धोखा था, फजूल वसवसा होता था, लेकिन उनकी जाहिरी शक्ल बड़ी खूबसूरत होती थी, ताकि उन बातों की तरफ मायल हो जाएं उन लोगों के दिल के जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। तो इंसानों में से उन दानिश्वरों को पहचानिए जो काउंटर नैरेटिव का वसवसा लेके आते हैं। आई समझ मेरी बात? नैरेटिव ये है, हमने कुरान मजीद जहां तक जो पहुंचाया है, नैरेटिव सामने आ गया ना, इस पर यकीन हमें होना चाहिए कुरान की रोशनी में। और आप जाके काउंटर नैरेटिव देख लीजिए, वो कुरान की बुनियाद पर नहीं होगा, वो कहानत की बुनियाद पर होगा। बस ये बात है, और इसको पल्ले बांध लीजिए कि ये वसवसा जो होता है ये सिर्फ जिन ही नहीं करते, ये इंसान भी करते हैं। और ये वसवसा कोई सिर्फ एक छोटा सा ख्याल पैदा करना नहीं, ये पूरा फलसफा पैदा करना भी हो सकता है, मुजयन करके, खूबसूरत बना के, बेहतरीन अल्फाज में, लखनवी उसलूब में, और जो है ना वो धुली हुई जबान में, आला अखलाक पे, जैसे कि शैतान ने आके आदम अलैहिस्सलाम के सामने फदल्ला हुमा बेगुरूर, दोनों मियां बीवी को धोखे के दलाइल दे के कायल कर लिया कि दाना खा लो। तो अल्लाह ताला से उसकी भी दुआ मांगिए, इन सूरतों को भी कसरत से जो है अपने उसमें शामिल कीजिए मामूलात में, ताकि जो चीज समझ में आई है शैतान अपने वसाविस से उससे महरूम ना कर दे। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसा करने वाले खन्नास की जो पीछे छुप जाता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसा अंदाजी करता है, उसके शर से पला मांगता हूं। ये जो शैतान लईन है जिसके बारे में आता है, इन शैतान यजरी मिनल इंसान मजरा दम, हुज़ूर की हदीस है, ये शैतान तो इस तरीके से इंसान के वजूद में सरायत कर जाता है जैसे कि खून सरायत कर रहा है। ये शैतान जो है, और ये आप वो भी पढ़ चुके हैं, वलकद खलकना इंसाना व नालम मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हमने इंसान को बनाया, हम जानते हैं कि उसका नफ्स अमारा जो है, इड और लिबिडो, उसको अंदर क्या वसवसा अंदाजी करता रहता है। तो शैतान को भी कोई और इख्तियार हासिल नहीं है, हमारे अपने सिफली दाइयात, हमारे जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, शहवात हैं, उनको वो भड़काता है। इसके लिए हदीस में आता है कि उसकी थूथनी जो है वो जमीन जो वो दिल के ऊपर टिका कर फूके मारनी शुरू करता है, ताकि वो शहवत में इश्तियाल पैदा हो जाए और सिफली जज्बात में इश्तियाल पैदा हो जाए, जिसकी उसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है। ये है वसवसा, वसवासुल खन्नास। और खन्नास क्यों कहा? अगर आप जिक्र करेंगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, फौरन भाग जाए। तो जिक्र से जब दिल खाली होता है, दिल में अगर अल्लाह की याद नहीं है, तो शैतान आएगा, थूथनी टिकाएगा और फूके मारेगा। ये चूंकि शैतान की ये सारी तरकीब इंसान पर असरअंदाज होती है उसके अपने नफ्स के वसात से, अंदर से,
लिहाजा उसके लिए यह अलहदा सूरत जो है वो कायम कर दी। قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، پلٹ کر آتا ہے۔ اصل میں وسواس الخناس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وسواس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسے کے معنی ہیں پے در پے ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہو اسے یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے۔ وسوسے کے لفظ میں خود تکرار کا مفہوم شامل ہے، جیسے زلزلہ میں حرکت کی تکرار کا مفہوم شامل ہے۔ چونکہ انسان صرف ایک دفعہ بہکانے سے نہیں بہکتا بلکہ اسے بہکانے کی پے در پے کوشش کرنی ہوتی ہے، اس لیے ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے۔ رہا لفظ خناس، تو یہ خنوس سے ہے جس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں، اور خناس چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے اس لیے اس کے معنی یہ فعل بکثرت کرنے والے کے ہوئے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کو بار بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا تو دونوں الفاظ کے ملنے سے خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ وسوسہ ڈال ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر پے در پے وسوسہ اندازی کے لیے پلٹ کر آتا ہے۔ بالفاظ دیگر، ایک مرتبہ اس کی وسوسہ اندازی کی کوشش جب ناکام ہوتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، پھر وہی کوشش کرنے کے لیے دوبارہ سے بارہ اور بار بار آتا رہتا ہے۔ وسواس الخناس کا مطلب سمجھ لینے کے بعد اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا خود اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، یعنی اس شر سے کہ وہ کہیں اس کے اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف جو شخص بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا پھرے اس کے شر سے داعی حق خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ داعی الی الحق کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی ذات کے خلاف جن جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہوں ان سب تک خود پہنچے اور ایک ایک شخص کی غلط فہمیوں کو صاف کرے۔ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی دعوت اللہ کا کام چھوڑ چھاڑ کر وسوسہ اندازوں کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کو صاف کرنے اور ان کے الزامات کی جواب دہی کرنے میں لگ جائے۔ اس کے مقام سے یہ بات بھی فروتر ہے کہ جس سطح پر اس کے مخالفین اترے ہوئے ہیں اسی پر خود بھی اتر آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت حق دینے والے کو ہدایت فرمائی کہ ایسے اشرار کے شر سے بس خدا کی پناہ مانگ لے اور پھر بے فکری کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگا رہے، اس کے بعد ان سے نمٹنا تیرا کام نہیں بلکہ رب الناس ملک الناس اور الہ الناس کا کام ہے۔ اس مقام پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وسوسہ عمل شر کا نقطہ آغاز ہے۔ وہ جب ایک غافل یا خالی ذہن آدمی کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل کر دیتی ہے، پھر اس سے آگے جب وسوسے کی تاثیر بڑھتی ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے، اور آخری قدم پھر عمل شر ہے۔ اس لیے وسوسہ انداز کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ شر کا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی مقام پر اس کا قلع قمع فرما دے۔ دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وسوسہ اندازوں کے شر کی ترتیب یہ نظر آتی ہے کہ پہلے وہ کھلے کھلے کفر، شرک، دہریت یا اللہ اور رسول سے بغاوت اور اللہ والوں کی عداوت پر اکساتے ہیں، اس میں ناکامی ہو اور آدمی دین اللہ میں داخل ہی ہو جائے تو وہ اسے کسی نہ کسی بدعت کی راہ سجھاتے ہیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو معصیت کی رغبت دلاتے ہیں، اس میں بھی کامیابی نہ ہو سکے تو آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں
कि छोटे छोटे गुनाह कर लेने में तो कोई मजायका नहीं, ताकि यही अगर कसरत से सादिर हो जाए तो गुनाहों का बार अजीम इंसान पर लद जाए। इससे भी अगर आदमी बच निकले तो बदरजाय आखिर वो कोशिश करते हैं कि आदमी दीन हक को बस अपने आप तक ही महदूद रखे, उसे गालिब करने की फिक्र न करे। लेकिन अगर कोई शख्स इन तमाम चालों को नाकाम कर दे तो फिर शयातीन जिन और इंस की पूरी पार्टी ऐसे आदमी पर पिल पड़ती है, उसके खिलाफ लोगों को उकसाती और भड़काती है, उस पर गालियों और इल्जामात की बौछार कराती है, उसे हर तरफ बदनाम और रुसवा करने की कोशिश करती है। फिर शैतान उस मर्द मोमिन को आकर गुस्सा दिलाता है और कहता है कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेना तो बड़ी बुजदिली की बात है, उठ और इन हमलावरों से भिड़ जा। ये शैतान का आखिरी हरबा है जिससे वो दावत हक की राह खोटी कराने और दाई हक को राह के कांटों से उलझा देने की कोशिश करता है। इससे भी अगर दाई हक बच निकले तो शैतान उसके आगे बेबस हो जाता है। यही वो चीज है जिसके मुतालिक कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, व इम्मा यंज़ग़न्नक मिनश्शैतान नज़्ग़ुन फस्तईज़ बिल्लाह, यानि और अगर शैतान की तरफ से तुम्हें कोई उकसाहट महसूस हो तो अल्लाह की पनाह मांगो। सूरह अल आराफ आयत 200, सूरह हामीम अस्सजदा आयत 36। वकुल रब्बे औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, यानी कहो मेरे परवरदिगार मैं शयातीन की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ। सूरह अल मोमिनून आयत 97। इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, यानी जो लोग परहेजगार हैं उनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल उन्हें छू भी जाए तो वो फौरन चौंक जाते हैं और फिर उन्हें सही रास्ता साफ नजर आने लगता है। सूरह अल आराफ आयत 201। और इसी बिना पर जो लोग शैतान के इस आखिरी हरबे से बच निकलें उनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा युलक्काहा इल्ला जु हज़्ज़िन अज़ीम, यानी ये चीज बड़े नसीबे वाले के सिवा किसी को हासिल नहीं होती। सूरह हामीम अस्सजदा आयत 35। इस सिलसिले में एक बात और भी निगाह में रहनी चाहिए, वो ये कि इंसान के दिल में वसवसा अंदाजी सिर्फ बाहर से शयातीन जिन और इंस ही नहीं करते बल्कि अंदर से खुद इंसान का अपना नफ्स भी करता है। उसके अपने गलत नजरियात उसकी अक्ल को गुमराह करते हैं, उसकी अपनी नाजायज अगराज व ख्वाहिशात उसकी कुव्वत तमीज और कुव्वत इरादी और कुव्वत फैसला को बदराह करती हैं। और बाहर के शयातीन ही नहीं इंसान के अंदर उसके अपने नफ्स का शैतान भी उसको बहकाता है। यही बात है जो कुरान में एक जगह फरमाई गई है कि वह नालम मा तुवस्वसु बिही नफ्सुहु, सूरह क़ाफ आयत 16। यानी और हम उसके अपने नफ्स से उभरने वाले वसवसों को जानते हैं। इसी बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मशहूर खुतबे मसनूना में फरमाया है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, यानी हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं अपने नफ्स की शरारतों से या इंसानों में से। बाज़ अहल इल्म के नज़दीक इन अल्फाज का मतलब ये है कि वसवसा डालने वाला दो किस्म के लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, एक जिन दूसरे इंसान। इस बात को अगर तस्लीम किया जाए तो लफ्ज नास का इतलाक जिन और इंसान दोनों पर होगा। वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कुरान में जब रिजालुन यानी मर्दों का लफ्ज जिनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि सूरह जिन आयत 6 में हम देखते हैं, और जब नफर का इस्तेमाल जिनों के ग्रोह पर हो सकता है जैसे कि सूरह अहकाफ आयत 29 में हुआ है, तो मजाजन नास के लफ्ज में भी इंसान और जिन दोनों शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये राय इसलिए गलत है कि नास और इंस और इंसान के अल्फाज लुगत ही के एतबार से लफ्ज जिन की जिद हैं, जिन के असल माने पोशीदा मखलूक के हैं, और जिन को जिन इसी बिना पर कहा जाता है कि वो इंसानी आँख से मख्फी है। इसके बरक्स नास और इंस के अल्फाज इंसान के लिए बोले ही इस बिना पर जाते हैं कि वो जाहिर और मरई और महसूस है। सूरह कसस आयत 29 में है, आनस मिन जानिब तूर नारा, यहाँ आनस के माने रआ हैं, यानी हजरत मूसा ने
कोहे तूर के किनारे आग देखी। सूरह निसा आयत 6 में है, फइन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, यानी अगर तुम महसूस करो कि यतीम बच्चे अब होशमंद हो गए हैं। यहाँ आनस्तुम के माने आहसस्तुम या रअयतुम है। बस नास का इतलाक लुगत अरब की रूह से जिनों पर नहीं हो सकता, और आयत के सही माने ये हैं कि उस वसवसा अंदाज के शर से जो इंसानों के दिलों में वसवसे डालता है, ख्वाह वो जिनों में से हो या खुद इंसानों में से। यानी दूसरे अल्फाज में वसवसा अंदाजी का काम शयातीन जिन भी करते हैं और शयातीन इंस भी, और दोनों के शर से पनाह मांगने की इस सूरह में तलकीन की गई है। इस माने की ताईद कुरान से भी होती है और हदीस से भी। कुरान में फरमाया, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुवन शयातीनल इंस वल जिन यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफल क़ौलि ग़ुरूरा, सूरह अल-अनआम आयत 112। यानी और इसी तरह हमने हर नबी के लिए शैतान जिनों और शैतान इंसानों को दुश्मन बना दिया है, जो एक दूसरे पर खुशाइन बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते हैं। और हदीस में इमाम अहमद, नसाई और इब्न हिब्बान हजरत अबू जर की रिवायत नकल करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। फरमाया, अबू जर तुमने नमाज पढ़ी? मैंने अर्ज किया, नहीं। फरमाया, उठो और नमाज पढ़ो। चुनाचे मैंने नमाज पढ़ी और फिर आकर बैठ गया। हुजूर ने फरमाया, या अबा जर तअवुज बिल्लाह मिन शर शयातीन अल इंस वल जिन, यानी ए अबू जर शयातीन इंस और शयातीन जिन के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? फरमाया, हाँ।